बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो फ्रेंड्स, आपको अपडेट करते चलूं कि वफाकुल मदारस का नया सदर यानी हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अस्कंदर साहब रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद अब कौन होगा। अभी तक वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान ने फ़ैसला नहीं किया। ताहम आपको बताता चलूं कि इससे कबल भी मजमुल मदारस के नाम से नए बोर्ड्स का आगाज़ किया गया था, तो उस वक्त भी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने भी इसकी मुखालफत की थी। और इसके बाद अब आपको अपडेट करता चलूँ कि आज हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत फ्यूज़ आलिया ने हज़रत मौलाना फजलुर्रहमान साहब की दावत की थी। आज एक आम इन शख्सियात के दरमियान मीटिंग हुई है और यही कहा जा रहा है कि आइंदा काल क्या लाए अमल होगा, क्योंकि मजमुल मदारस भी बन चुका है और इस लिहाज से अब जो है वफाकुल मदारस का नया सदर भी के भी एक अशद ज़रूरत है। तो ताहम अभी जो गर्दिशें कर रही हैं जो ख़बरें, उनमें यही कहा जा रहा है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ही आइंदा के लिए सदर होंगे। और इसके अलावा भी एक दो नाम हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए भी थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही फैसला होगा आपको इंशाल्लाह बताएं।